नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और वहीं इससे पहले सीएम धामी एनसीसी कैडेट और अन्य प्रतिभावशाली छात्रों से मुलाकात कर गांव से हो रहे पलायन के कारणों को जाना और छात्रों के पलायन रोकथाम पर सुझाव दिए। सीएम धामी से छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं न होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने को पलायन का मुख्य कारण बताया है और वही खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर भी संवाद किया गया। और वही सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन संभावनाओं को जिले में बढ़ाने पर जोर दिया और इसके लिए कलेक्टर भवन को नया लुक देने, शहर में म्यूजियम बनाने और साहसिक खेलों से ही जिलों की दशा बदलने पर जोर दिया है। जबकि शहर की समस्याओं पर सीएम ने गौर फरमाया, जिसमें कूड़ा निस्तारण और को लेकर भी ट्रेचिंग और ग्राउंड ना होने और इसके साथ ही शहर में बाईपास पर निर्माण ना होने, ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होने और रांची के आसपास और अन्य जगहों पर हेलीपैड निर्माण करवाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व मेरी बात हुई और मैं उनसे मिलने गया था कि पौड़ी में आपका आगमन होना चाहिए, सभी जगह आप जा चुके हैं, पौड़ी ऐसे छोड़ रखा है। तो उन्होंने शहर से स्वीकार किया और उन्होंने मुझे 2 दिन का यहाँ अपना रुकने का कार्यक्रम दिया कि मैं रात्रि विश्राम भी करूँगा। तो बड़ा हर्ष का विषय रहा और पौड़ी के हर वर्ग से वो मिले, बच्चों से, बूढ़ों से, अनुसूचित वर्ग से, सभी जाति धर्म के लोगों से वो मिले हैं और ग्राम पंचायतों में रुके, वहां पर उन्होंने वार्ता की महिलाओं से, वहां की महिला समूह से। पलायन हमारे राज्य की समस्या भी है और हम चुनौती भी, उस पर बहुत सकारात्मक रूप से बच्चों ने अपनी जिज्ञासा रखी और सरकार की तरफ से भी लगातार प्लान को रोकने के लिए, रिवर्स प्लान के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, होम स्टे की संख्या बढ़े उसके लिए काम हो रहा है, स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज्यादा काम हो उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्रशेखर वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है, अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही। जिलों में आकर भी मैं स्वयं सभी जिलों में इसी प्रकार का प्रवास विभिन्न विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, आज रुड़की के भगवानपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में ही उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि कुल 162 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें से 46 को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस बीच ही कैबिनेट मंत्री ने 30 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का लोकार्पण भी किया है। उन्होंने बताया है कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए 22 करोड़ 4 लाख की लागत से एक नाले का निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा ग्राम मानकपुर, आदमपुर, तेलपुरा और बादीवाला, बुग्गावाला और करोंदी आदि गांव में भी इंटरलॉकिंग सड़कों के लिए लगभग 2.5 करोड़ की लागत से तैयार करने की कई योजनाओं को पूरा करने के लिए लोकार्पण किया है। सतपाल महाराज ने बताया है कि कुल 162 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 46 सुनी जा चुकी है और बाकी की समस्याओं को सीडीओ हरिद्वार सुन रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और आगे भी लोगों की समस्याओं का इसी प्रकार से निराकरण किया जाएगा। शिकायतें हमने सुनी हैं और बाकी करीब हमारे पास 160 के करीब शिकायतें आई हैं
और आज इसी प्रकार जनपद विकासखंड भगवानपुर और विकासखंड बादराबाद में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत 30,83,19,000 है। तो ये विकास के काम यहाँ किए गए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार जनता के द्वार का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उनकी समस्या का तत्काल निदान हो रहा है। तो बहुत अच्छी ये एक कार्यक्रम है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। ये कैंप लगेंगे और सब जगह कैंप। हरिद्वार में मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कार्यक्रम सरकार जनता के द्वारा हमारा संकल्प अधुनाशासित प्रदेश और हमारा संकल्प भय मुक्त समाज के अंतर्गत बहादराबाद ब्लॉक मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के करोड़ों रुपये की योजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही लोगों की जन समस्याओं को भी सुना गया है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उक्त कार्यक्रम में ही पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं के तहत ब्लॉक बहादराबाद में ही 6,13,69,000 की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। और कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादराबाद और भगवानपुर की टोटल योजनाएं 30,83,19,000 रुपये की योजना का शिलान्यास आज किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी जैसे जैसे उपलब्ध होता रहेगा वैसे वैसे कार्य किए जाएंगे। ये कार्यक्रम के तहत हमने कुछ शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें हरिद्वार जनपद के विकास खंड बादराबाद में लोक निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं का जो है लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। ये 6,13,79,000 की ये योजनाएं हैं और ये टोटल मिलाकर के जो हमारे भगवानपुर और बादराबाद विकास खंड के अंदर जो सिंचाई लोक निर्माण विभाग की सारी इनका योजनाओं का लोकार्पण किया है, ये 30,83,19,000 की ये योजनाएँ हैं जिसकी सौगात हमने बादराबाद और विकासखंड भगवानपुर को दी है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रभारी मंत्रियों के स्वयं अपना भी कार्यक्रम अनेक जनपदों में अनेक विकास खंडों में लगाए हैं। उसी क्रम में आज बादराबाद ब्लॉक में हमारे प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जी का कार्यक्रम है और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी विकास योजनाओं का लगभग 15 से 18 करोड़ के बीच का बादराबाद ब्लॉक का शिलान्यास भी किया है, कुछ का लोकार्पण किया है। जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार जनता के द्वार, हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मूल उद्देश्य है, जो सबसे पिछले वाला इलाका है उसमें जाकर खुद सरकार जनता की समस्या को सुन रही है, उसका समाधान हाथ के हाथ कर रही है। राज्य में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आ गई है और पार्टी के पदाधिकारी ने राजधानी देहरादून में ही बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए धामी सरकार को आड़े हाथ लिया है। सरकार से बेरोजगारों के हितों में उनकी मांग पूरी करने की मांग की गई है और पार्टी हाईकमान के निर्देश पर ऋषिकेश में नगर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश मियां ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता की और इस दौरान ही राकेश मियां ने कहा कि राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला कांग्रेस गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बताएगी कि किस प्रकार से ही राज्य सरकार लाखों लोगों को नौकरी देने का वादा कर उन पर लाठियां बरसाने में लगी हुई है। मौजूदा दौर में इस घटना के बाद युवा वर्ग भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इसके बावजूद सरकार युवाओं की मांग पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, उल्टा जबरदस्ती पटवारी पेपर करवाया गया है। और राकेश मियां ने यह भी कहा कि
कि सरकार यदि युवाओं की हितैषी है तो सबसे पहले वो बेरोजगार युवाओं के हित में भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में कराई और इसके साथ ही जांच सीबीआई करे और राजधानी देहरादून में लाठीचार्ज के दौरान ही जिन बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका बिना शर्त सरकार वापस ले और यदि सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती तो कांग्रेस युवाओं के समर्थन में सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारा जो प्रेस का जो उद्देश्य था ये था कि जो दिनांक 8 और 9 फरवरी को 2023 को जो प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं पर जो सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया आज उसके विरोध में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे माननीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश था कि हम सब जो आज बेरोजगारों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है जो हमारा कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम इसके तहत इस बिंदु को हम अपने पूरे नगर में पूरे वार्ड वार्ड में इस बिंदु को उठाएंगे। आज हमारा मुख्य प्रेस का जो चार बिंदु थे उसमें था कि जो बेरोजगारों के साथ राज्य में 6 नए थानों और 20 नई चौकियों की स्थापना के तहत पिंडर घाटी के नारायण बंकर चौकी को अपग्रेड कर रिपोर्टिंग चौकी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है और इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता को रिपोर्टिंग चौकी की बधाई दी है और इस अवसर पर ही गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और थराली के विधायक भोपाल राम टमटा भी उद्घाटन के अवसर पर वर्चुअल जुड़े और उन्होंने भी क्षेत्रीय जनता को रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना की बधाई दी है। दरअसल आपको बताते चले कि सोमवार को ही नारायण बगड़ चौकी में ही नारायण बगड़ के ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि थराली के उपजिलाधिकारी रविंद्र जुवांडा ने ही बता दें आपको कि रिबन काटकर उद्घाटन किया था और इस अवसर पर ही ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी ने कहा कि पिछले महीनों नारायण बगड़ विकास खंड के कई नए गाँव को ही राजस्व पुलिस क्षेत्र से हटाकर रेगुलर पुलिस को सौंपे गए हैं। सरकार की तरफ से हमारे पूरे स्टेट में 6 थाने और 20 चौकियों का जो है अब 6 थाने नए खुले हैं और 20 चौकियों को जो है नए स्टेटस में है और जैसे मेरे क्षेत्र में है ये थराली थाना क्षेत्र में इसमें 48 जो गांव हैं वो राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस क्षेत्र में आ गए इनमें हम कोशिश कर रहे हैं सभी गांवों में संपर्क कर रहे हैं हमेशा है उसमें सुधार करने की कोशिश की जाए कई राज्य नहीं कोशिश तो करने कोशिश करने में हर जगह है उसमें तो ऐसा ना कि जितने भी 48 गांव हमारे पास आए जो हमारे नियरेस्ट हैं लगभग नज़दीकी हैं सभी गांव उनमें सभी में संपर्क कर रहे हैं सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और जन लोगों से संपर्क करके पुलिस सहयोग पुलिस की सहायता से जो सहायता हो सकती है वो करने के लिए ऋषिकेश में एक डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की मौत होने पर परिजनों ने ग्रामीण के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और ग्रामीण घटना के बाद से उत्तेजित हैं और सुरक्षा की दृष्टि से ही पुलिस दो अस्पतालों के बाहर तैनात है। दरअसल आपको बताते चलें कि रविवार की दोपहर तिलक रोड पर मौजूद ही डॉक्टर कॉली हॉस्पिटल में श्यामपुर के कुछ ग्रामीण पहुंचे, उन्होंने जमकर वहां पर हंगामा भी किया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी मिली कि श्यामपुर में रहने वाला 25 वर्षीय सचिन राणा की मौत हो गई है, जिसकी मौत का जिम्मेदार ग्रामीण डॉक्टर कौशल को ठहरा रहे हैं। और सचिन राणा के पिता महावीर सिंह राणा ने बताया है कि 10 फरवरी को पथरी की शिकायत होने पर सचिन को देहरादून रोड पर मौजूद डॉक्टर कौशल के क्लिनिक में उपचार के लिए भर्ती कराया गया और 11 फरवरी को ही पथरी का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद से लगातार सचिन की तबीयत बिगड़ने लगी
गई और आरोप लगाया गया है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर कौशल ने ही सचिन को एक इंजेक्शन लगाया जिसके बाद वो बेहोश हो गया। हालत बिगड़ती देखकर ही डॉक्टर कौशल ने किडनी फंक्शन नहीं होने की बात कहकर सचिन को ही डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया और परिजन सचिन को ही लेकर कोहली हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया जिसके बाद से ही परिजन भड़क गए। उन्होंने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया है। सूचना मिलते ही कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची और कई राजनीतिक नेता भी मामले की जानकारी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और वहीं एक और पीड़ित के परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र में ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर दामाद ने शराब के नशे में ही मामूली कहा सुनी होने पर अपनी ही सास की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ही शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी दामाद हिरासत में अब आ गया है। और आपको बताते चले कि मृतका बसंती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है और सिडकुल में ही मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही थी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि हत्या की सूचना पुलिस को मिली है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कोई व्यक्ति द्वारा ही बताया गया कि उसने अपनी सास की हत्या कर दी है। पूछताछ में आरोपी दामाद ने बताया कि कल रात नशे में होने के कारण घर का गेट नहीं खुला, उसके बाद वो अपनी सास के घर गया। किसी बात को लेकर सास के साथ उसकी बहस हुई और गुस्से में आकर ही उसने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। रुड़की के ही अरहीनत कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया है। बताते चले आपको कि छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस और पेनल्टी के नाम पर ही शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 दिन फॉर्म फीस की लेट फीस होने की वजह से ही चेयरमैन ने 15,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये अलग से वसूल रहे हैं और यही भारी भरकम फाइन फीस देने में छात्र सक्षम नहीं है। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप ये भी है कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों से ही पानी पीने की एवज में भी फाइन वसूलने का काम कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने आरोप ये भी लगाया है कि अगर कोई छात्र कॉलेज में फ़ोन लेकर आता है तो उनका फ़ोन जब्त कर उन्हें फ़ोन वापस करने की एवज में 5,000 रुपये का फाइन वसूला जाता है। हालांकि आज जो सभी छात्रों को अपने सेमेस्टर को लेकर भी फॉर्म फिल करना के लिए कहा गया था और फॉर्म की फील ही बताया जा रहा है कि किसी भी छात्र को फॉर्म नहीं भरने दिया गया और उनको लेट फीस की स्लिप थमा दी गई है। अब खबर देहरादून से है जहां पर मंत्री चंदन रामदास ने ही विधानसभा में समाज कल्याण जनजाति दिव्यांग और अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है और बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर मंत्री चंदन रामदास ने बैठक से संबंधित विस्तार में जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगों को दी जाने वाली 3,000 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है और वही दिव्यांगों के लिए मार्च से पहले सभी 13 जिलों में ही कैंप लगाया जाएगा और इस कैंप में मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे और इस कैंप के माध्यम से दिव्यांग को पेंशन, छात्रवृत्ति के साथ साथ वृद्ध को आंखों के ही चश्मे और कान की मशीन और इसके साथ ही व्हील चेयर वितरित की जाएगी। देहरादून में NSUI के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं जिसके बाद से कांग्रेस के आपसी झगड़े से जो सियासत है वो भी गर्मा गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि नीरज और कुंदन देहरादून में ही कांग्रेस में चल रहे प्रदर्शन में धरना देने पहुंचे थे और इस दौरान ही NSUI के 2 गुटों में लात घूंसे चलने लगे।
पौड़ी पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जुयाल ने ही जोशी मठ हालातों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत की है और कहा है कि अगर जोशी मठ में उत्पन्न हुए हालातों के जिम्मेदार एनटीपीसी है तो फिर एनटीपीसी को यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। वीरेंद्र जुयाल ने कहा है कि अगर कोई विकास जनहित का विनाश करे तो ऐसे में ही विकास पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जोशी मठ में एक सनातनी धर्मी नगरी है और इस धर्म नगरी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह त्रासदी बड़ी बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही पीड़ादायक त्रासदी है, क्योंकि जोशीमठ एक शहर नहीं, जोशीमठ एक क्षेत्र नहीं, जोशीमठ सनातनी संस्कृति का भी एक उद्गम और एक परिचायक है। अगर कोई भी विकास का कार्य कहीं पर भी देश भर में अगर वो जन भावनाओं का विनाश करता है, जन जन का विनाश करता है या आबादी का विनाश करता है, जनता का नुकसान होता है, तो उनका स्थान चेंज भी किया जा सकता है। कोई बड़ी चीजें नहीं है कि एनटीपीसी को भी रोका जाए। अगर उसे जोशीमठ एकदम खत्म हो रहा है तो जोशीमठ में हमारी सनातनी संस्कृति खत्म हो रही है तो रोका जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश के लिए इतनी छोटी लागत कोई कीमत नहीं है। सितारगंज में एक साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है और सुदामालाल मीणा निवासी ग्राम बाम नवास थाना टुंडिला जिला सवाई माधव सिंह के खिलाफ धमकी देने और महिला का शील भंग करने का मुकदमा दर्ज था। और एसपी सिटी मनोज कत्याल ने भी ये जानकारी दी है कि आरोपी टिकटॉक के माध्यम से ही क्षेत्र की एक महिला के संपर्क में आया और फरवरी 2021 में ही दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों साथ रहने लगे और वो कस्बे में ही किराए के मकान में रहते थे और आरोपी ने युवती की तस्वीरें खींच ली और इनकी बीच अनबन हुई तो आरोपी ने अश्लील तस्वीरों को ही उसके घर वालों के पास भेज दिया। इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर 15,000 का इनाम रखा गया था। एसपी सिटी ने कहा है कि महिलाएं सावधानी से ही सोशल मीडिया का प्रयोग करें और टीम में कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल, एसआई चंदन सिंह बिष्ट, राजेंद्र गोस्वामी मौजूद रहे। इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चल रहा है उच्च अधिकारियों के निर्देशन में। इसी क्रम में वर्ष 2022 में एक अभियोग पंजीकृत था जिसमें एक अभियुक्त द्वारा एक महिला को डराना, धमकाना और कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके अपराध को खारिज करने के तथ्य प्रकाश में आए थे। इस अभियुक्त की लगातार तलाश कर रही थी टीम हमारी। जब ये लगातार शातिर अभियुक्त है, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, तो उसकी अरेस्टिंग के लिए इसमें इनाम घोषित किया गया 15,000 रुपये का। तो इसमें CO किच्छा और इंस्पेक्टर सितारगंज और चौकी इंचार्ज सिडकुल के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और टीम ने बड़ी मेहनत और सुराग्रसी के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफल। उत्तराखंड पुलिस की ओर से भर्ती घपलों के खिलाफ गांधी पार्क के बाहर ही बीते दिनों धरना प्रदर्शन करने वाले करीब 4,000 बेरोजगारों युवाओं पर जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर परीक्षित बेरोजगार ही युवाओं ने मसूरी शहीद स्थल पर ही साकेतिक धरना प्रदर्शन कर जेल में बंद बेरोजगार युवाओं की रिहाई की मांग की है। वहीं मसूरी व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल और प्रशिक्षित बेरोजगार संघ अध्यक्ष संजीव पवार ने ही कहा है कि उत्तराखंड में लंबे समय से बेरोजगारी को लेकर युवाओं की मांग चल रही है और जब जब युवाओं ने मांग की है, युवाओं का उत्पीड़न किया गया। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक और भर्ती घोटाले की CBI जांच हो। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।